चलो शुरू करते हैं। क्लास ट्वेल्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 5-6 एप्लीकेशन है इसके। आज हम लोग सबसे पहला एप्लीकेशन देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, इजी है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनाने में बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप लोग एकदम बारीकी से हर चीज़ को देखिएगा, क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है। अब देखिए, एक डेरिवेटिव को देखिए आप, जैसे लिखा हुआ है ds/dt। ठीक है, ds/dt। अब जहां पे वेयर वेयर s बराबर क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, t बराबर क्या है, टाइम। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, टाइम t के रेस्पेक्ट में बता रहा है। बात समझ आ रही है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। अब वैसे ही अगर आपको लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन dy विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो यही हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये हम लोग सब कोई जानते हैं, देखिए एकदम आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ds/dt क्या बोलेंगे इसको, ये डेरिवेटिव है, s को डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप डिस्टेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी होता है। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस s विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, अब अगर हमको लिखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखें, चेंज ऑफ चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अच्छा, अब अगर इसी में मान लीजिए इफ इफ y बराबर एफ टी एंड x बराबर जी टी, y बराबर एफ टी x बराबर जी टी, मतलब y भी t पे डिपेंड कर रहा है, g भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो अब इस केस में अगर आप निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर क्या होगा, dy/dx। अब dy/dx डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, तो आप लोग सीखे हैं dy/dt अपॉन dx/dt। यहाँ बताना होगा वेयर डिनोमिनेटर dx/dt नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बात समझ आई, एक चीज़ और लिख लीजिए आप, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लेंगे, नोट क्या करना है समझते जाइए, सिंपल है। देखिए इफ, पहला केस वन, इफ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, ठीक है, इफ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, देन dy/dx जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब y भी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है। अगर x मान लीजिए ये है आपका, ये dy है, ये dx है, ये स्लोप होता है कुछ tan थीटा dy/dx। तो अब मान लीजिए कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो, x और इंक्रीज हुआ y और इंक्रीज हुआ। बात समझ आ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, dy/dx पॉजिटिव है। ठीक है, dy/dx पॉजिटिव है इफ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों पॉजिटिव, तो dy/dx पॉजिटिव आएगा। दूसरा केस,
if y decreases as x increases, then dy by dx क्या होगा? नेगेटिव होगा. क्यों? क्योंकि y डिक्रीज हो रहा है, तो चेंज इन y आप निकालेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव. इसीलिए अब मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ. डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन बना लेते हैं, आप लोग समझ जाइए इसको कैसे होगा. देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया डी ए, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस डी आर, मतलब डी ए बाई डी आर निकालना है. बात समझ आ रही है? जैसे ये सर्कल है, इसका कुछ एरिया है ए. अब देखिए ये इसका रेडियस है. अब मान लीजिए रेडियस चेंज हो रहा है, वो बताया नहीं है रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, बस रेडियस चेंज हो रहा है टाइम के साथ. कुछ देर बाद अगर रेडियस बढ़ गया, रेडियस बढ़ के अगर इतना हो गया, तो एरिया में कुछ चेंज आया. वही हम लोग को रेडियस के रेस्पेक्ट में बताना है एरिया में कितना चेंज हो रहा है. देखिए जो चेंज इन एरिया है वो किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है? चेंज इन एरिया रेडियस के रेस्पेक्ट में हो सकता है, या फिर अगर आपको दे दे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकता है. ठीक, तो यहां सिंपल बोल दिया है, डायरेक्ट बोल दिया है यहां कि चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, मतलब डी ए बाई डी आर निकालना है. बात समझ आ रही है? ये दो चीजें हो सकती हैं. ठीक, देखिए इसका चेंज, इसका चेंज कभी भी किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा, इसके चेंज पे इसका चेंज डिपेंड करेगा. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो एकदम सिंपल में समझना है, ज्यादा कुछ वो नहीं करना है. लेट रेडियस, या लेट क्या दिया ही है, तो रेडियस ऑफ सर्कल बराबर आर, तो एरिया ऑफ सर्कल ए बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. हम लोग क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. सिंपल है, रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा एरिया चेंज होगा, वही निकालना है आपको. तो मतलब क्या निकालना है हमको? चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस. अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं तो पाई आर स्क्वायर डी आर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा. अब क्वेश्चन में आगे देखिए, व्हेन रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये चेंज आपको कब बताना है? जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है. तो देखिए लिखिए, व्हेन रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डी ए बाई डी आर जो है ना, इसमें हम क्या पुट कर देते हैं? आर बराबर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है, उसमें हम रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे. वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछ रहा है, कब पूछ रहा है? तो व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो अब इसमें रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे, 5, तो क्या हो जाएगा? 10 पाई. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या है? 10 पाई है. ठीक है, समझ, सिंपल था यह क्वेश्चन, बेसिक था. अब आगे देखते हैं. अब देखिए, अगर इसी में एक चीज और इसमें नोट कर लीजिए आप लोग, मतलब ध्यान में रखिए कि अगर बोल दिया है कि रेडियस पर सेकंड चेंज हो रहा है, तो ये एरिया भी पर सेकंड हम इसको चेंज हो रहा है ये हम लोग बोल देंगे. ठीक, अगर रेडियस ऐसा क्वेश्चन आएगा, खैर इसको छोड़िए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे. अभी इसको रहने दीजिए, बस अभी इतना ये बेसिक समझिए. दूसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 cm³/s. क्या दिया है? इंक्रीजिंग रेट दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का. तो अगर आप वॉल्यूम को मान लीजिए v, तो किसके रेस्पेक्ट में दिया है? पर सेकेंड.
तो वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब डीवी बाई डीटी दे रखा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, पूछता है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया अगर मान लीजिए एरिया ए है, या सरफेस एरिया को अगर आप एस ए या एस रख लें, तो क्या निकालना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में, तो अगेन ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ds by dt आपको निकालना है। रुकिए, ds by dt s सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो गिवन डाटा है उसको देख के लग रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कब, जब एज 10 सेंटीमीटर है, जब एज कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमको फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्यों टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग जो भी डाटा दिया टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है। अब देखिए, अब सबसे पहले क्या मान लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब बराबर एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब वी बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया बोलने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, इसको मान लीजिए आप एस, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, 6x2। ये तो पता है नाइन्थ का है वॉल्यूम सरफेस एरिया। अब देखिए, ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग का गिवन है, गिवन दैट क्या दिया गया है, तो रेट ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम बराबर 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये यूनिट से हमको पता चल रहा है कि किसके रेस्पेक्ट में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डीटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड दिया, मतलब रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है 9 लिख लेंगे। अब आप v की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है, एक्स क्यूब अपॉन डी टी बराबर ये हो जाएगा 9। इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। अब देखिए, x के रिस्पेक्ट में होगा, चेन रूल लगा लीजिए, तो डी एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल लगा लिया, इज इक्वल्स टू 9। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये क्या हो जाएगा, 3x2 डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 9। 3 3 9 या उधर भेज देंगे, या ये हमको क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 9/3x2। तो 3 3 9, तो ये क्या मिल गया आपको, डी एक्स बाई डी टी बराबर 3/x2। इसको नोट कर लेंगे, ये काम आएगा अभी। ठीक है, मैं इसको मिटाल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करेंगे, मिटाल रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, फाइंड या लिखते हैं वी हैव टू फाइंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया किसके रिस्पेक्ट में पता है, तो ds by dt। अब s कितना है, s कितना लिखे थे, s बराबर 6x2, सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया, तो d 6x2 अपॉन dt। अब चेन रूल लगाएंगे, यहां ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, यहां मैं डाल देता हूं, x 6x2 किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा, फिर dx by dt। ओके, 6 आया बाहर और 6 2 12 12x, इंटू dx by dt की वैल्यू पुट कीजिए, 3/x2, x से एक x कैंसल, 36/x आ गया, कितना आ गया 36/x। अब मिटाल दिया जाए इसको, ये क्या आ गया ds by dt। अब कब बताना था ds by dt, when
length of edge x बराबर 10 सेंटीमीटर, जब x कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या निकालना है ds by dt when, ऐसे लिखते हैं x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ds by dt कितना था 36 by x, इसमें x की जगह पर रख दीजिए 10, तो ये क्या आ गया 3.6 यूनिट दिया था, इसीलिए हम लोग यूनिट लिख देंगे, नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया का क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये टाइम सेकेंड, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सरफेस एरिया उसका बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा था 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर, एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ नहीं आ रहा तो समझ आ रहा है फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या दिया था इंक्रीज इन वॉल्यूम दिया था, मतलब चेंज इन वॉल्यूम का रेट दिया था, इंक्रीज दे रहा है मतलब पॉजिटिव है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो ये डीवी बाई, मान लीजिए डीवी बाई डीएक्स नहीं है, डीवी बाई डीटी है, ये हमको कैसा कैसे पता चले कि ये है कि ये, यूनिट देख के पता चला है, कितना दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसमें तो पर सेकेंड नहीं होगा, ये नहीं है ये दिया है, तो इसको हम लोग लिखें 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 लीजिए 9 लेके चलिए। अब वॉल्यूम अगर आपने एज को x मान लिया है तो वॉल्यूम क्या होगा x क्यूब, इसमें पुट कीजिए और इससे dx by dt का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद सरफेस एरिया 6x2, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में और इसमें dx by dt की वैल्यू पुट कीजिए, फिर x की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, ठीक है, एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ये कहानी क्या बोल रहा है कि भाई एक शांत तालाब है, पानी मतलब एकदम रुका हुआ है, उसमें आप जैसे पत्थर फेंकते हैं, तो आपने देखा होगा आपने यहाँ पे पत्थर फेंका ऐसा, ये पूरा पानी है, तो कुछ ऐसा ऐसा वेव बनने लगता है ना, ये हर तरफ बनता है कुछ इस टाइप का, ये समझने के लिए बस बना रहा हूँ, ऐसा कैसा वेव बनता है, ऐसे ऐसे सर्कल में बनेगा, ऐसे ऐसे सर्कल में बनेगा, ठीक है समझ गए, ऐसा ऐसा सर्कल 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 बढ़ता जाएगा। अब बात ये है कि सर ये क्या दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये वेव का स्पीड दिया है, तो जैसे वेव तो हर तरफ बढ़ रहा है ना, इधर भी बढ़ रहा है 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 इधर 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 हर तरफ बढ़ रहा है, तो इसका स्पीड दिया, तो कोई एक डायरेक्शन हम लोग लेके चलते हैं, जैसे हम लोग ये वाला डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, तो भाई ये डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, ये देखिए ये रेडियस था R1, अब रेडियस हो गया R2, अब रेडियस हो गया R3, अब रेडियस हो गया R4, ठीक है, तो ये क्या चेंज हो रहा है, चेंज ऑफ रेडियस, बात समझ आ रही है, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड दिया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए वेव को आप जिधर से भी देखिएगा सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, मतलब एक सर्कल के लिए ये सेम डिस्टेंस हर तरफ से, इधर से भी R1 इधर से भी R1 इधर से भी R1 इधर से भी R1 हर तरफ R1, दूसरे वाले के लिए हर तरफ R2, तीसरे वाले के लिए हर तरफ R3, ठीक है, तो इसका स्पीड बोलने का मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले यहां पे था अब यहां पहुंच गया, टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड, इसका स्पीड माने मान ली पहले यहां पे था इस पोजीशन पे था 1 पे, अब कहां पहुंच गया यहां से 2 पे पहुंच गया, बात समझ आ रही, 1 पे था 2 पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस बढ़ा इसका, बात समझ आ रही, डिस्टेंस बढ़ा, तो अब स्पीड का मतलब क्या है, ये भाई साहब पहले यहां थे अब यहां, सबसे पहले भाई साहब यहां थे फिर यहां आए फिर यहां, अगर यहां आए तो डिस्टेंस क्या हो, स्पीड क्या हो गया, दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर अगर यहां पहुंचे तो दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर यहां पहुंचे तो दिस डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ऐसे कर करके हम लोग निकालते जाते हैं, मतलब ये जो स्पीड दिया है
ये क्या दिया है, dr by dt दिया है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही, ये समझना था इसमें कि 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेव का स्पीड का मतलब क्या है, वेव बढ़ रहा है मतलब वेव ऐसा ऐसा जिस स्पीड से बढ़ा मतलब उसी स्पीड से सर्कल भी तो बढ़ता जा रहा, सर्कल बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रहा है, मतलब वेव का स्पीड दिया मतलब रेडियस के बढ़ने का स्पीड दिया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, गिवन दैट स्पीड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड हम लोग क्या समझे हैं, तो dr by dt, स्पीड वही है ना भाई, रेडियस बढ़ते जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वेव यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ ऐसा ऐसा जो जा रहा है वो डिस्टेंस क्या है, रेडियस बढ़ते जा रहा है। तो dr by dt दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या बोल रहा है, एट इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे वो बात कर रहा है, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, ये कंडीशन दे रहा है कि व्हेन आर बराबर 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हम लोग को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो सीधी सी बात है भैया टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा जो भी दिया है वो टाइम के रेस्पेक्ट में, ये टेक्निक है इसको समझने का, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही है, तो आपको निकालना है डी ए बाई डी टी, ठीक है, डी ए बाई डी टी निकालना है। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई डी टी, ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। अब आप देखिए पाई आर स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में होगा, आर के रेस्पेक्ट में होगा, और आर किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr इसका डिफरेंशिएशन, और डी आर बाई डी टी क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 8πr, कितना आ गया, 8πr। अब हम लोग क्या निकालना था, अब हमको क्या निकालना था, इंक्रीज इन एरिया व्हेन रेडियस बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे, ये आ गया आपका dA by dt, तो आप इसको लिखेंगे dA by dt, कब, व्हेन r बराबर लिखेंगे ऐसे 10 सेंटीमीटर, तो देखिए 8π × 10 इज इक्वल्स टू 80π, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एरिया चेंज इन एरिया पर सेकेंड, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम सेकेंड, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इज 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, जब 10 सेंटीमीटर रेडियस है उस इंस्टेंट पे बताइए कि एरिया इंक्रीज का रेट क्या है, तो ये हम लोग आंसर लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या बोल रहा है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, क्या दिया है, लेंथ एक्स, तो लेंथ एक्स है तो इसका रेट क्या होगा, dx by dt, length x of a rectangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute, तो हमको कैसे पता चला कि dx by dt ही होगा, इसको देख के, यूनिट को देख के पता चला, dx by dt टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। आप इसको लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, या चेंज मत लिखिए, रेट ऑफ डिक्रीज है कि इंक्रीज है, डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ एक्स बराबर कितना दिया है, 3
सेंटीमीटर या इज लिख लीजिए, इज या इज इक्वल टू जो भी है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, dx by dt, dt के रेस्पेक्ट में क्यों dx को, क्योंकि पर मिनट में दिया है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ -3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब याद कीजिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव क्यों लिया है, सिंस लेंथ इज डिक्रीजिंग, यहां भी लिख सकते हैं माइनस, रीजन क्या दिया, लेंथ डिक्रीज हो रहा है इसीलिए, समझाया था ये डिक्रीज होगा तो क्या लेंगे, एक अगर डिक्रीज, देखिए टाइम बढ़ रहा है और टाइम बढ़ते के साथ साथ लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होता है तो नेगेटिव में लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विड्थ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विड्थ क्या दे दिया है, विड्थ वाई है, विड्थ वाई इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, तो मतलब डी वाई बाई डी टी, विड्थ वाई है इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये पॉजिटिव ही होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि व्हेन x बराबर 10 सेंटीमीटर एंड y बराबर 6 सेंटीमीटर, जब x 10 और y 6 है, फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ, पहले क्या निकालना है पेरीमीटर, दूसरा क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, इसको मिटाल दो, नहीं यहीं पे रहने दो, एक काम करते हैं, अब a निकालते हैं, a निकालते हैं, क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो निकाल के देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मान लेते हैं P, बराबर क्या होगा dP by dt, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में दिया है। तो अब आप लिखेंगे dP by dt बराबर क्या होगा, अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2 × x + y अपॉन डी टी, क्या रीजन आप लोग लिखेंगे, सिंस पेरीमीटर पी बराबर 2 × l + b मतलब x + y। ठीक है, ओके, अब यहाँ ऊपर में डाल देता हूँ। अब देखिए, अब अगर आप 2 को बाहर रखें तो ये क्या हो जाएगा dx by dt प्लस dy by dt। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आप क्या निकाल रहे हैं dp by dt, समझ आ रहा है, 2 बाहर ले लिए, dx by d by dt को x के पास भेज दिए, y के पास भेज दिए। अब देखिए 2 को बाहर रखिए, dx by dt कितना है -3, फिर प्लस dy by dt कितना है, dy by dt कितना है 2, तो ये क्या आ गया 2 × -1, तो ये क्या आ गया -2, यूनिट क्या लिखेंगे -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब पेरीमीटर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, माइनस आ गया मतलब डिक्रीज हो रहा है, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा देखिए, बोला था कि when x is equals to 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो अब इसमें x और y रखने का जगह है नहीं, x और y पर डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब उस इंस्टेंट पे आप x और y रखिए, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप, क्योंकि इसमें x y है ही नहीं, तो डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपको दूसरा क्या निकालना है, b निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया a, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसको मिटाल देता हूँ, मतलब हमको क्या निकालना है, ये क्या होता है डी ए बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में सबको करना है, तो डी ए बाई डी टी लिखेंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया एक्स इंटू वाई डी टी, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी, फिर प्लस
एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। अब डी एक्स बाई डी टी कितना दिया था, माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री वाई हो जाएगा, इसके जगह माइनस थ्री रख दी, माइनस थ्री वाई हो जाएगा। और डी वाई बाई डी टी कितना दिया था, टू, तो प्लस टू एक्स। ठीक है, अब कब निकालना था हमको, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है डी ए बाई डी टी कब, जब x बराबर 10 सेंटीमीटर है और y बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू सिक्स, फिर प्लस टू इंटू टेन, माइनस 18 प्लस 20 इज इक्वल्स टू प्लस टू। प्लस टू क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट क्यों, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया है। तो हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर इज कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पेरीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं भी बात करेंगे तो चलेगा कि एरिया इंक्रीज हो रहा है और ये पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, ये बात अगर हम लोग नहीं करें तो भी चलेगा। ठीक है, बस ये आंसर हो गया, इसको नोट कर लेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपीज, टोटल कॉस्ट को इसने क्या बोला, सी एक्स, और ये कितना दिया है, 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000 टोटल कॉस्ट दिया है, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स, जहां पे एक्स क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कोई भी प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, नंबर ऑफ आइटम है। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब वो आइटम, जैसे मान लीजिए आप सपोज ये मार्कर बना रहे हैं तो कितना मार्कर बनाए, तो वही एक्स यूनिट, 5 यूनिट हो सकता है, 6 यूनिट हो सकता है, 7, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये दे दिया। ठीक, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हमको नहीं पता है, देखते हैं। व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, कब, जब ऐसे ऐसे 3 मार्कर का प्रोडक्शन हुआ है तब आपको मार्जिनल कॉस्ट बताना है। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो क्वेश्चन में दे रखा है, वेयर मार्जिनल कॉस्ट वी मीन मार्जिनल, वेयर मार्जिनल कॉस्ट वी मीन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, क्या दे दिया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट MC क्या दे दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट किसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्या दिया, वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट दे रहे हैं आप, मतलब जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, उसके रिस्पेक्ट में आपको बताना, मतलब MC मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट सी किसके रिस्पेक्ट में, एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या है आपका, तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोडक्शन, तो मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं कितना यूनिट, उसका नंबर क्या है, एक्स, मतलब ये हमको निकालना है, कब, जब 3 यूनिट्स आपका प्रोडक्ट, 3 यूनिट्स आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, 3 मार्कर जब आप बना रहे हैं, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे। तो अब आपको यहां पे क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी एक्स बाई डी एक्स, DC भी बस लिख सकते थे हम लोग, क्योंकि ये CX दिया है टोटल कॉस्ट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इस वैल्यू को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा सी एक्स लिखेंगे यहां, 0.05
0.05x³ माइनस 0.02x² प्लस 30x प्लस 5000। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0.005 बाहर dx³/dx माइनस 0.02 बाहर dx²/dx फिर प्लस 30 बाहर dx/dx फिर प्लस d5000 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये देखिए क्या हो जाएगा 0.005, ये क्या हो जाएगा इंटू 3x² माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30 इंटू dx/dx 1 हो जाएगा प्लस 5000 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.015, 3 5 15 x² माइनस 0.04x 2 2 4 प्लस 30। ये क्या आ गया dc/dx बोले तो मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है इसको मिटा रहा हूं। अब मार्जिनल कॉस्ट कब बोला था, व्हेन c बराबर x 3 यूनिट्स है, जब मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स 3 है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आपका क्या था x था। ठीक तो अब हम लोग यहां लिखेंगे व्हेन x बराबर 3 यूनिट्स, x इज इक्वल टू 3 जब हम लोग रखेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, कब मार्जिनल कॉस्ट x बराबर 3 पे इज इक्वल टू dc/dx किस पे जब x बराबर 3 है। अब ये सब में x बराबर 3 पुट कर दीजिए 0.015 इंटू 3² माइनस 0.04 इंटू 3 ठीक है प्लस 30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 9 5 45 का 5 बचा कितना 4 9 1 9 और 4 13 का 3 बचा 1 ये 0 0 इतना हो जाएगा 0.135 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.43 12 12 प्लस 30। ये दोनों प्लस वाला एक साथ क्या हो जाएगा 30.135 माइनस 0.12। तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30.0 फिर ये 1 ये 5 ठीक है तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया। तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स इज प्रोड्यूस्ड या रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इज इतना। ठीक है अब ये क्या है रुपीज, ये कॉस्ट जो भी आपका सी दिया था रुपीज में था तो रुपीज पर यूनिट। ठीक है 30.015 रुपीज पर यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट किसी भी टाइम पे कितना है 30.015 है, मतलब जब आप 3 यूनिट का जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो। और इसको क्या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट इसको बोलेंगे या इसी को बोलेंगे रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू जो भी है, मार्जिनल रेवेन्यू तो अभी नहीं है मार्जिनल कॉस्ट है तो रिक्वायर्ड मार्जिनल कॉस्ट। शायद मैंने इसको गलती से क्या बोल दिया था रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो वो बोलना गलत होगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ये हमारा प्राइस जो है पर यूनिट ये क्या है टोटल कॉस्ट रेट ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है मार्जिनल कॉस्ट दे दिया था तो जो भी दिया था क्वेश्चन में आपके वो आप लोग पढ़ सकते हैं वो हो जाएगा ये मार्जिनल कॉस्ट आंसर। देखिए अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड, मतलब टोटल रेवेन्यू इन रुपीज जो रिसीव हुआ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ x यूनिट्स, तो x क्या है
नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स, तो ये क्या है टोटल रेवेन्यू आर एक्स कितना दिया है 3x² + 36x + 5। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, हमको क्या निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5, कब, जब एक्स 5 है, एक्स क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ठीक है, जितना यूनिट आप बेचे, मान लीजिए जितना मार्कर ही है, जितना मार्कर बेचे, तो जब 5 मार्कर बेचे हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू, अब मार्जिनल रेवेन्यू हमको नहीं पता है, वो दे रखा है, वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या बोल रहा है, ये मार्जिनल रेवेन्यू ये क्या बोल रहा है, एमआर लिख लेते हैं एमआर, और ये क्या बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड क्या है एक्स, तो एम आर बराबर क्या बोल रहे हैं, एम आर बराबर क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू टी आर, और टोटल रेवेन्यू को हम लोग क्या लिखें आर एक्स, तो आप इसको लिखेंगे आर एक्स, किसके रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, तो नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड क्या है एक्स, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब आप यहां पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे आर एक्स की वैल्यू 3x² इधर रख लेते हैं 3x² + 36x + 5 किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू कितना मिल जाएगा 3 बाहर dx² / dx + 36 बाहर dx / dx + d5 / dx, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 × 2x + 36 × 1, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया तो 6x + 36, अब देखिए क्या निकालना था आपको रेवेन्यू व्हेन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बराबर एक्स बराबर 5, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा एम आर कब, जब एक्स बराबर 5 है, या और क्या लिखेंगे डी आर एक्स बाय डी एक्स कब, जब एक्स बराबर 5 है, इसमें 5 रखेंगे तो 6 × 5 + 36 = 30 + 36 = कितना आ गया 66, ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 66 रुपीज पर आइटम सोल्ड इतना रेवेन्यू है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये सीबीएसई में आया हुआ है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट रेट ऑफ 12 cm³/s, ठीक है, मतलब एक पाइप से रेती निकल रहा है, किस रेट से निकल रहा है 12 cm³/s इस रेट से निकल रहा है, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए ये पाइप से ऐसे निकल रहा है या ऐसे निकल रहा है, जैसे भी निकल रहा है, या आप पाइप को ऐसे रखे हैं, यहां पे ये जो रेती गिर रहा है सैंड गिर रहा है क्या बना रहा है एक कोन बना रहा है, ठीक है, फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, कंडीशन दिया है दैट द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज
height of cone is always 1/6 of the radius of base. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, let height of cone बराबर h सेंटीमीटर, radius of base of cone बराबर r सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर में ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक। तो ये क्या बना रहा है, कोन बना। कंडीशन क्या दिया, हमेशा हमेशा ऐसे टाइप से बन रहा है ये कोन ग्राउंड पे कि हमेशा जो इसका हाइट है, हाइट ऑफ कोन h इज बोले तो इज इक्वल टू ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस, ऑलवेज 1/6 ऑफ रेडियस। या यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ हाइट, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को कुछ चीजों की जरूरत है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, v बराबर, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज, अच्छा व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, छोड़ देते इसको, ध्यान देते क्या बोल रहा है। हाउ फास्ट मतलब आप स्पीड बताइए, कितना स्पीड हाइट ऑफ सैंड जो है, सैंड कोन इंक्रीज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डी एच विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, इसका स्पीड बताना है कितना फास्ट है, हाइट कितना फास्ट बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है, जो भी जैसे भी इंक्रीज हो रहा है, समझ आ रहा है, इसीलिए इंक्रीजिंग यहां पे यूज कर लिया, डी एच बाई डी टी क्या होगा। अब ये तो भाई कंडीशन है, हम लोग रख लेंगे, जब डी एच बाई डी टी निकल जाएगा तो उसमें हम लोग एच बराबर रख लेंगे 4 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है। अब इस क्वेश्चन एक दिया, लेकिन इसमें मैं दो चीज आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए कि यहां पे अगर रेडियस के बारे में बात कर देता कि हाउ फास्ट रेडियस ऑफ सैंड कोन इज इंक्रीजिंग, कितना फास्ट रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखिए एक चीज और यहां नोट करेंगे, पहले हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी, ये किसके बराबर होगा, तो ये जो दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा आप सोचिए ये क्या दिया, वॉल्यूम दिया था पर सेकेंड जो पाइप से निकल रहा है, तो भाई पाइप से निकल रहा है कुछ रेती और यहां कोन बनाते जा रहा है, किस रेट से निकल रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो जितना वॉल्यूम यहां से निकल रहा है उतना ही वॉल्यूम तो यहां आ रहा है ना। अगर यहां से 5 वॉल्यूम निकल रहा है तो यहां भी तो 5 वॉल्यूम आ रहा है, अगर यहां से 6 वॉल्यूम निकल रहा है तो यहां भी तो 6 वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस रेट से इस पाइप से निकल रहा है रेती आपका सैंड, उसी रेट से तो ये बढ़ रहा है, जिस रेट से इस पाइप से निकल रहा है, पाइप को थोड़ा तिरछा कर दीजिए, कोई बोलेगा इसमें से कैसे रेती निकल रहा है, ठीक है, तो जिस रेट से निकल रहा है, जिस रेट से निकल, उसी रेट से तो यहां बढ़ रहा है ना, मतलब जितना वॉल्यूम यहां से निकल रहा है उतना वॉल्यूम यहां ऐड हो रहा है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये जो रेट दिया था ना, पाइप से निकलने वाला जो रेट है, उसको हम लोग क्या लिख दिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन या ऑफ द कोन, ठीक है। क्यों लिए ये समझ आना चाहिए आप लोग को, हम लोग डीवी बाई डी टी ये क्यों लिए हैं ये समझ आना चाहिए आप लोग को, ठीक है, क्लियर है, क्यों लिए, क्योंकि भाई यहां से जितना वॉल्यूम निकल रहा है उतना वॉल्यूम यहीं आ रहा है, तो यहां से जितना रेट निकल रहा है वही उतना ही रेट तो यहां बढ़ रहा है, जिस स्पीड से यहां से निकल रहा है उसी स्पीड में ये कोन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, कुछ अलग से कहीं से तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट करेंगे, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा देता हूं, क्वेश्चन मिटा दूं, इधर मिटा देता हूं, ओके। अब देखिए आपको क्या दिया है, डीवी बाई डी टी
बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, या 12 बस रख लीजिए, बता दिए हम लोग 12 सेंटीमीटर पर क्यूब। अब देखिए dv, v कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में। अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, करके बताता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग दो काम कर सकते हैं। एक रास्ता क्या होगा, r की वैल्यू रख दीजिए 6h, दूसरा रास्ता क्या होगा, h की वैल्यू लिख दीजिए r by 6, ये यहाँ से। तो दोनों केस करके देखते हैं। तो जब आप r is equals to 6h रखेंगे तब क्या होगा, r is equals to 6h रखेंगे तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 6h का स्क्वायर इंटू h dt। ये करेंगे तो क्या होगा, h की वैल्यू रखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, h के जगह पे आपने क्या रखा, r by 6। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, d by dt, फिर ये 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, 12 टाइम्स में। अब ये क्या हो जाएगा, 12 पाई निकालिए बाहर, एच इंटू एच एच क्यूब, तो डी एच क्यूब अपॉन डी टी, 12 पाई ये क्या हो जाएगा, 3 एच स्क्वायर, या इसको पहले लिखते हैं एच क्यूब h के रेस्पेक्ट में, फिर h t के रेस्पेक्ट में, 3 बाहर आ जाएगा तो 12 3 36 पाई एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। तो जब आप r की वैल्यू रख देंगे तो आपको डी एच बाई डी टी मिल जाएगा, वैसे ही जब आप h की वैल्यू निकलेंगे तो पुट कर देंगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, डी आर बाई डी टी मिल जाएगा। आपको निकालना क्या है, डी एच बाई डी टी निकालना है, तो किस रास्ते से चलेंगे, इस रास्ते से चलेंगे, सबको एच में चेंज कर दें क्योंकि हमको डी एच बाई डी टी चाहिए, आर का कोई रोल ही नहीं रखना है। और अगर यही क्वेश्चन आके बोल देता आपको कि डी आर बाई डी टी निकालिए, तो हम इस रास्ते से आते, एच की वैल्यू पुट करते। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है, तो क्वेश्चन को समझ के करना, ये नहीं कि शुरू हो गए एच का वैल्यू पुट कर दिए एकदम आंख मूंद के, ऐसा नहीं करना है। समझ आ गया क्या रास्ता करना है, हमको डी एच बाई डी टी निकालना है तो हम पूरे को एच के टर्म्स में चेंज कर देंगे, मतलब आर की भी जगह पे हम एच रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी 1/3 पाई आर की जगह पे आपने क्या रखा, 6h का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 12, या ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और ये क्या हो गया, 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर इंटू एच, ये 12 टाइम्स में कैंसल इज इक्वल टू 12, 12 पाई बाहर डी बाई डी टी किसका, एच स्क्वायर इंटू एच एच क्यूब, तो एच क्यूब एच के रेस्पेक्ट में होगा, चेन रूल लगा लीजिए, फिर डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12। अब 12 पाई ये क्या हो जाएगा, 3 एच स्क्वायर, फिर डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12। डी एच बाई डी टी निकालना था हम लोगों को, तो देखिए यहाँ ध्यान से, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 12 पाई इंटू 3 एच स्क्वायर, 12 खत्म, तो डी एच बाई डी टी बराबर क्या हो गया, 1/3 पाई एच स्क्वायर। अब डी एच बाई डी टी आपको निकालना था कब, वेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो वेन एच बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, डी एच बाई डी टी में पुट कर देना है एच बराबर 4 सेंटीमीटर, पुट कीजिए यहाँ 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 4 4 16 और 3 48, तो 1/48 पाई कितना आ गया,
1/48 pi, यूनिट क्या लिखेंगे आप लोग? तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट क्या होगा? 1/48 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखेंगे। आप लोग समझ गए, रेडियस भी पूछता तो हम लोग क्या करते, रेडियस पूछता तो हम पूरे को रेडियस के टर्म में चेंज कर देते, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना लीजिए आप लोग, खुद से ट्राई कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही, अब जो आप लोगों से नहीं बनेगा वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे। ठीक है, जो भी नहीं समझ आएगा या नहीं बनेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं, बस आपको प्रैक्टिकली फील करना है कि चल क्या रहा है, और आपको टेक्निक लगाना है कि अगर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है तो ये क्या है। सेंटीमीटर क्यूब क्या है? वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, नीचे टाइम है, बात खत्म। तो ये टेक्निक लगाना हम लोग को, दिमाग लगाना कैसे देख के हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ही है ये चैप्टर, ये वाला चैप्टर हम लोग बोलेंगे। अभी जो आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज इससे बन जाएगा, बनाइए, नहीं बनेगा व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं देखूंगा, जोड़ूंगा जो भी है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बनाइए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।